हेलो एवरीवन, ममता शर्मा दिल्ली ब्लॉगर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज है हरियाली तीज। हरियाली तीज की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, आज मैं कोई और रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं दही और हरी मिर्ची का अचार बनाऊंगी, तो उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो बहुत ही झटपट से बनने वाला अचार है और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। आप जैसे कि पूड़ियां बनाते हो, कचौरियां बनाते हो, तो उसके साथ उस अचार को खाओगे तो आपका टेस्ट दोगुना बढ़ जाएगा। बहुत ही आसानी से बनने वाला अचार है, तो मैं भी उसे बनाने जा रही हूँ। तो आइए उसकी रेसिपी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ मैंने ये हरी मिर्च लिए हुए हैं, ये 250 ग्राम हरी मिर्च होंगे। ये बड़े साइज के हरी मिर्च हैं, आप छोटे या बड़े साइज के किसी भी साइज के ले सकते हैं। तो अब मैंने इनका डंठल काट लेती हूँ। इनको मैंने अच्छे से धोकर और सूखे कपड़े से इनको पोंछ लिया था और थोड़ी देर इनको हवा भी लगा दी थी मैंने, तो ये अच्छे से सूख गए हैं। और सारे हरी मिर्च के मैं डंठल काट लूँगी। तो देखिए, मैंने इस तरीका से सारे हरी मिर्च के डंठल काट लिए हैं और अब मैं इन्हें बीच में से कट कर लूँगी। सिर्फ इनको बीच में से ही कट करना है, बिल्कुल आर पार इनको कट नहीं करना। आप देख सकते हो मैं किस तरीका से इनको कट कर रही हूँ। इसी तरीका से हम सारे अपने हरी मिर्च को बीच में से कट कर लेंगे। तो हमारे सारे हरी मिर्च बीच में से कट हो चुके हैं। तो अब हम यहाँ ये कुछ मसाले लेते हैं, जिसमें ये दरदरा पिसा हुआ सौंफ है और धनिया पाउडर है, नमक है और हल्दी है। बस हमें यही मसाले लेने हैं, इसमें और कोई मसाला नहीं लेना। तो अभी हम इन सारे मसालों को एक जगह मिक्स कर लेंगे। आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार ले सकते हैं, कम ज़्यादा जितना आप खाना पसंद करते हो। तो अब हमने ये मसाले एक जगह मिक्स कर लिए हैं, तो हम इसमें 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। सिर्फ हमें ये 2 चम्मच ही सरसों का तेल डालना है, बस मसालों को मिक्स करना है, ज़्यादा गीला नहीं करना मसालों को। बस इतना ऑयल डालना है कि ये बस आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो हाथों की सहायता से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए, मसाले बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और अब हम ये जो हरी मिर्च हमने बीच में से कट किए थे, इनके अंदर इस मसाले को भर देते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना मसाला, बहुत कम भी नहीं। आप देख सकते हो मैंने कितना मसाला भरा है। इसी तरीका से आप भी अपने मिर्चों में मसाला भरें। ये दही वाले मिर्च का अचार बहुत ही टेस्टी लगता है, आप भी जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरीका से मैं ये सारे मिर्च का अचार भरकर तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, बिल्कुल तैयार हो चुका है भरकर। तो अब हम एक कढ़ाई लेते हैं और गैस को कर देते हैं ऑन। कढ़ाई होगी हमारी गरम, तो इसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल डाल देते हैं। तेल भी हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम 1 चम्मच इसमें सरसों डाल देते हैं। आप राई भी डाल सकते हो, अगर आपके पास सरसों है तो सरसों डालिए, राई है तो राई डाल दीजिए। तो हमारी सरसों अच्छे से चटक गई है, तो अब हम इसमें डालने वाले हैं दही, जिससे हमारे हरी मिर्च के अचार का टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। तो देखिए, मैंने 2 बड़े चम्मच भरकर इसमें दही डाल दिया है। आप दही ज़्यादा डालना चाहते हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो, तब भी इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो मैं इसे अब मिक्स कर देती हूँ और गैस को मैंने धीमा रखा हुआ है, तो इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। अभी कुछ नहीं डाला मैंने इसमें, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है, उबाल भी अच्छे से आ गया है। तो मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर देती हूँ। इसमें 1/2 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच भर के मैंने इसमें सौंफ का पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच इसमें
धनिया पाउडर डाल दिया है और आधा चम्मच मैं इसमें नमक डाल देती हूँ, क्योंकि नमक हमने मिर्चों के अंदर भी भरा है, जो हमने मसाले भरे थे मिर्चों में उसमें भी नमक था, तो इसमें हमें नमक कम ही रखना है, नहीं तो बहुत तेज नमक हो जाएगा। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो देखिए मसाले अच्छे से मिक्स हो रहे हैं। मसाले अच्छे से भुन चुके हैं हमारे। तो अब मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये तीखे नहीं होते हैं, सिर्फ मैं इसे कलर के लिए डाल रही हूँ। तो हमारे मसालों का कलर थोड़ा सा अच्छा डार्क दिखने लगे, इसलिए डाल रही हूँ मैं इसमें। तो अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के पानी डाल देती हूँ, हमारे मसाले अच्छे से गीले हो जाएं। तो देखिए मसाले का कलर अच्छा दिखने लग गया है और तेल भी इस पर ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हमारा ये मसाला बिल्कुल बनकर तैयार है। इसमें दही आपको कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, अच्छे से मिक्स हो चुका है हमारा दही इसमें। तो अब हमने जो ये मिर्च का अचार भरकर तैयार किया था इसमें डाल देते हैं मसाले में। तो हमने सारे मिर्च को मसाले के अंदर डाल दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं। तो ये हमें ना अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं। इनको ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, बस थोड़ी देर ही पकाना है। तो 1 मिनट हो गया है, तो मैं इसको देख लेती हूँ एक बार चलाकर। तो मैं इसे एक बार चला देती हूँ। तो हमारे मसालों ने जो जितना हमने पानी डाला था वो सारा सोख लिया है और मसाले मिर्च में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो अभी 1 मिनट के लिए हम इसे और ढककर रख देते हैं। तो 1 मिनट फिर हो गया है और तो हम इन्हें फिर से देख लेते हैं। तो हमारे मिर्च का अचार बनकर तैयार हो चुका है। तो आप देख सकते हो हमारे मिर्च में जो हमने मसाला डाला हुआ था उससे तेल बाहर आने लग गया है। तो गैस को हम बंद कर देते हैं और अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए हमारा झटपट से दही मिर्च का अचार बनकर तैयार हो गया है। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही आसानी से बनने वाला दही और मिर्ची का अचार है। आप इसको ज़्यादा भी बना सकते हो, आप स्टोर कर भी रख सकते हो इसको। तो ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हमारा अचार झटपट से बनकर हो गया तैयार खाने के लिए। तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देखिए कितना टेस्टी लग रहा है हमारा अचार। अगर आपको हमारे दही और मिर्ची के अचार की रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि हमारे दही मिर्ची के अचार की रेसिपी आपको कैसी लगी।